के बाद कितनी उम्मीद करते हो आप कि भाई ये आटे में मिलावट तो नहीं है, ये चावल में कंकर तो नहीं है, ये साबुन छाप तो अच्छी देगा ना, मोटरसाइकिल लेते हैं भाई, इसकी माइलेज तो ठीक है ना, इसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, छोटा सा पेन खरीदते हो, कितने की सब्सिडी करते हो, कितने की सब्सिडी, हर जगह हर पर हर चीज के लिए सवाल करते हो, सिवाय एक चीज के, अपनी सरकार चुनते वक्त पांच घंटे चलने वाली मस्कीटो कॉइल के लिए कितने सवाल करते हो, इसमें धुआं तो नहीं आएगा, ये बदबू तो नहीं देगी, इससे मच्छर तो मरेगा ना, लेकिन 5 साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करता, कुछ नहीं पूछता, बिल्कुल मेरी डिमांड है कि उनके धन पैसा जात पात धर्म संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो, कुछ उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे, कुछ वोट देने से पहले जिस उंगली का आप इस्तेमाल करते हैं उस उंगली के जरिए सवाल करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो देश की हेल्थ सर्विस सिस्टम को सुधारने के लिए गरीब किसानों की मदद के लिए कोई विक्रम राठौड़ या आजाद की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी उंगली ही काफी, क्योंकि आपकी उंगली में बहुत ताकत है, और पता मेरी डिमांड पूरी करोगे तो आजादी किसको मिलेगी, आपको आपको आप सबको आजादी गरीबी से, आजादी अन्याय से, आजादी करप्शन से, थोड़ा सा अपनी इस उंगली पर विश्वास करो, उसे यूज करो, आम आदमी साहब, मैं सारी ईवीएम मशीन